एक शख्स ने एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर उसे हवस का शिकार बनाया और उसके बाद उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक समाचार से। एक बार फिर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है और इस बार जानकारी ये मिली है कि एक शख्स ने एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर उसे हवस का शिकार बनाया और उसके बाद उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये उसका शोषण तब तक करता रहा जब तक शादी की बात युवती की तरफ से नहीं की गई, लेकिन जब उसने लड़की की तरफ से शादी की बात कही गई कि अब शादी कर लेते हैं, तो उसके बाद ये शख्स, जानकारी ये मिली है कि ये आनाकानी करने लगा। और सिर्फ एक ही ऐसा मामला नहीं है, बल्कि दो मामले अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज हुए, एक बक्शीनगर पुलिस स्टेशन में और एक रिहाड़ी में। क्या कुछ जानकारियां विस्तार से आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर है फोन लाइन पर, गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये मामले जो दो अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज हुए, क्या क्या मामले हैं? देखिए, दोनों मामले बलात्कार के दर्ज हुए हैं, रेप के मामले दर्ज हुए हैं जी, जिनमें से एक बक्शीनगर थाने और एक रिहाड़ी में हुआ है। मामला ये हुआ कि बक्शीनगर थाने को एक महिला की तरफ से शिकायत दी गई जी, जिसमें बताया गया कि उसे अकेला पाकर उसे हवस का शिकार बनाया गया है। उसने बताया कि उसका उसे शादी का झांसा दिया गया था, उसका शोषण किया गया। उसने ये भी कहा है कि जो आरोपी है उसने धोखे से उसका आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। अच्छा, उसे वीडियो की धमकी देकर ब्लैकमेल किया जाता था और उसे वायरल करने की धमकी दी जा रही थी। अच्छा, मतलब लंबे समय में से ये चल रहा था जी। अच्छा। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच करवाई और उसके बाद मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान रियाज अहमद के रूप में हुई। तो गिरफ्तार हो गया ये शख्स, अभी जांच चल रही है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, कहाँ का है ये आरोपी? ये रहने वाला है शनी का। अच्छा जी। और युवती? युवती तो बक्शीनगर की ही रहने वाली है। अच्छा जी। तो दूसरा मामला? दूसरा मामला रिहाड़ी में, युवती की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई जिसमें उसने बताया कि उसे घर में अकेला पाकर उसके ही एक जानकार ने अब उसका शिकार बनाया है। अच्छा, ये जो युवक है ये है कठुआ का रहने वाला और उस समय जम्मू में कहीं होटल में नौकरी करता है। उसने बताया कि उसके घर में उसका आना जाना था, इसी बात का फायदा उठाकर जब वह अकेली थी तो उसने अब उसका शिकार बना लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और छन्नी में मामला सुनने को मिला है, देखने को मिला है। पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, एक पड़ोसी ने 11 साल की बच्ची के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। अच्छा, ये तीनों मामले एक ही दिन में हुए। अच्छा, ये तीनों मामले एक ही दिन में हैं जी। इसके अलावा कोई और जानकारी? बस अभी तक इतना ही, पुलिस की तरफ से मामले दर्ज करके आगे की छानबीन शुरू कर दी है ताकि पूरे सबूतों को जमा करके आगे की कार्रवाई को ठोस कार्रवाई बनाई जा सके। तो इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुई अभी तक? नहीं, अभी देखिए कब मामला रात को दर्ज हुआ, रात से शाम चल रहे हैं, अभी मुझे लगता है कि आज गिरफ्तार हो जाए। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, तीन मामले जो हैं वो अलग अलग पुलिस स्टेशनों में दर्ज हुए हैं। माइनर लड़की के साथ भी छेड़छाड़ का मामला है, शादी का झांसा देकर हवस का शिकार बनाने का मामला है, पड़ोसी ने ही पड़ोसन का शिकार किया है, इस तरह के मामले। और ये समाज किस तरफ जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके ऊपर आप भी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगियों को दें इजाजत। नमस्कार।